वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हिंदू धर्म का अपमान करना, धार्मिक चीजों की गलत जानकारी देना और बेवजह का बखेड़ा करने का आरोप अक्सर बॉलीवुड पर लगता रहता है। माया नगरी की ये कोई पहली खबर नहीं है जब हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया हो। कभी विज्ञापन तो कभी फिल्मों के जरिए हर बार हिंदू संगठनों ने मांग उठाई कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ क्यों? क्यों हर बार हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? क्यों हर बार हिंदुओं की भावना को ही आहत किया जाता है? आखिर क्यों? इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां रावण और माता सीता के बीच प्रेम और श्री राम में रावण को दिखाने वाली फिल्म रावण लीला को लेकर हुए विरोध के बाद फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम बदला है। अब फिल्म का नाम केवल भवई है, जो सिनेमा घरों में 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। पैन इंडिया लिमिटेड ने इस फिल्म में दिखाए गए आपत्तिजनक कंटेंट के मद्देनजर अपना बयान जारी करते हुए बताया कि विवादित डायलॉग और टाइटल रावण लीला फिल्म का पार्ट नहीं है और अपने दर्शकों की भावनाओं की कदर करते हुए इन्हें प्रोमो से भी हटा दिया गया है। फिल्म के बैन होने की मांग उठने के बाद सामने आए मेकर्स के बयान ने लिखा है, हमारे मन में हिंदू सभ्यता और रामायण को लेकर सम्मान है। फिल्म और उसका कोई भाग धार्मिक भावनाओं या मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। फिल्म निर्माताओं ने यह जानकारी भी दी है कि भवई नाम से रिलीज होने जा रही यह फिल्म सेंसर बोर्ड ने यू कैटेगरी में पास कर दी है। इसके साथ ही वे कहते हैं, हमें विश्वास है कि यह हमारी फिल्म के बारे में सभी गलत बयानी, संदेह और गलत फहमियों को स्पष्ट करता है। गौरतलब है, रावण लीला का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म पर हिंदू समुदाय के लोग आपत्ति जता रहे थे। लोगों का आरोप था कि फिल्म में रावण और मां सीता के बीच प्रेम दिखाया जा रहा है। इसके अलावा श्री राम की तुलना रावण से हो रही है। कुछ लोग इस फिल्म को पूरी तरह बैन करने की बात कर रहे थे। उन्हें यह ठीक नहीं लग रहा था कि ऐसी फिल्म पर्दे पर किसी कीमत पर आए। लोगों ने विरोध और लगातार उठ रहे सवालों का असर भी देखने को मिल रहा है। न सिर्फ फिल्म का नाम बदला गया बल्कि कंपनी को खुद सामने आकर बात क्लियर करनी पड़ी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला